स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी टी एच टॉक्स में। मैं आपका अपना दोस्त हर्ष। जी हाँ दोस्तों, 60 ई ऑक्शन की लाइव अपडेट के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आज ही है ई ऑक्शन का दिन, तो इससे संबंधित कुछ नई अपडेट्स आई हैं गाइस सूत्रों के द्वारा, जिनकी चर्चा होगी। और गाइस इसलिए मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जब भी ई ऑक्शन की बात आती है तो यूट्यूब पर डी टी एच टॉक्स की याद आती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस ई ऑक्शन पर भी हमारी लाइव कवरेज जारी है। बढ़ते हैं गाइस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल यानी 27 तारीख के दिन जो डीडी पुलिस की 60 ई ऑक्शन हो रही है, जो कि एमपीजी 4 बॉक्स के लिए हो रही है, उसकी एप्लीकेशन सबमिशन की डेट थी और जो कि दोपहर 3 बजे तक थी। लेकिन गाइस दुख की बात यह है कि अभी तक हमारे पास किसी चैनल का नाम तो सामने नहीं आया है जिसने इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया हो। लेकिन हाँ, ये कंफर्म हो चुका है कि कुछ चैनल्स ने इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट की है। और गाइस आज यानी 28 जून के दिन से दोपहर के टाइम पर जो ई ऑक्शन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो बोलियां हैं वो भी लगना चालू हो चुकी है। लेकिन गाइस जो मेन हमारा पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, वो पुराने चैनल्स को लेकर है, क्योंकि आपको भी शुरू में डाउट था कि क्या ये चैनल्स इसी ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे या फिर नहीं। तो इसको लेकर गाइस फाइनली कुछ मीडिया ब्रॉडकास्टर्स ने एक ऑफिशियल बयान दे दिया है और ये कन्फर्म हो चुका है कि सोनी पल स्टार उत्सव जी अनमोल और कलर्स रिश्ते चैनल ने इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उन्होंने 60 ई ऑक्शन में भाग नहीं लिया है। और हमें गाइस ऐसा पहले ही पता था, क्योंकि मैं आपको अक्सर क्लियर करता आ चुका हूँ कि एमपीजी 4 बॉक्स में अक्सर बड़े ब्रॉडकास्टर्स नहीं आना चाहते, क्योंकि फिर वो एमपीजी 2 में नहीं उपलब्ध होंगे। तो हम सभी की यह खबर सही साबित हुई और फाइनली इन चैनल्स ने इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बात आती है कि इन चैनल्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो नाम गाइस मैं आपको कोई गलत खबर तो देता नहीं हूँ, इसलिए मैं नाम तो आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि हमें भी अब तक नाम का पता नहीं लग पाया। हमारी पूरी टीम गाइस रिसर्च में ही लगी पड़ी है, जैसे ही किसी चैनल्स का नाम आएगा आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हाँ, ये कन्फर्म हो चुका है कि इन बड़े ब्रॉडकास्टर्स ने इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर बात करें कौन से चैनल्स हो सकते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, तो वो गाइस 2 से 3 ही चैनल्स होंगे। तो या तो वो गाइस कोई डिवोशनल चैनल होगा, या फिर कोई रीजनल, या फिर न्यूज़ का चैनल होगा। इस 3 कैटेगरीज में से कोई चैनल हो सकता है। तो फिलहाल गाइस यही अपडेट आई थी। वहीं पर बात करें 61 ई ऑक्शन की, तो गाइस नेक्स्ट जो अपडेट्स आएंगी इस ई ऑक्शन के खत्म होने के बाद, तो वो अगले ई ऑक्शन को ही लेकर रहेगी। तो उसके लिए भी चैनल पर बन रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।